मैंने कुंग फू पांडा 4 देख ली और मुझे इन दो रीजंस की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो भाई कुंग फू पांडा 4 अपनी सीरीज की सबसे कम रेटिंग वाली मूवी साबित हुई, लेकिन मेकर्स ने इस पूरी सीरीज को एक रिस्पेक्टफुल क्लोजर देने का जो रास्ता अपनाया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि लीड कैरेक्टर पू ने अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है जो इसकी जगह लेकर नया ड्रैगन वॉरियर बनेगा और अब पू वैली का स्पिरिचुअल लीडर बन जाएगा, जिसकी शुरुआत तो इसी पार्ट से हो गई है लेकिन एंडिंग सीरीज के अगले पार्ट में होगी। लेकिन पार्ट 4 की स्लो स्टोरी लाइन मूवी को बहुत बोरिंग बना देती है। बाकी कुंग फू पांडा 4 का डिटेल रिव्यू देखने के लिए और इसके अगले पार्ट में क्या होने वाला है जानने के लिए नीचे वाले लिंक पर क्लिक करके डिटेल वीडियो जल्दी से देख लो।